आज ही बने वा सूजी कपकेक्स। बहुत टेम्पटिंग दिशुची ना, आउ सॉफ्टनेस भी देखो यार बहुत बढ़िया है ना, जिते सॉफ्ट है से स्पॉन्जी भी। आउ सबुठू इंटरेस्टिंग कथा, आज हमें या बनवा कौन सी ओवन कि माइक्रो ओवन रे नुहे, छोटो छोटो गिन्नारे। चलन तो देखिबा याकू बनेबार प्रस्तुति। याकू बनेबा पाई मु एही सब सामग्री नेइची। एठे मु 1/4 कप दही, 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 टेबलस्पून मिल्क मेड, आउ हाफ कप चीनी, हाफ कप क्षीर, आउ 1 कप सूजी नेइची। सेथिरे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आउ टूटी फ्रूटी, आउ कैडमम एसेंस, ता सहित छोट गिना नेछि जोथरे हमें केक को बेक करिवा। फर्स्ट रे हमें गुटे मिक्सिंग बोल रे दही नबा, ताको बढ़िया से फेंटी नबा। एठी दही आपण जत्ते फ्रेश यूज करिवे सेते भलो, खट्टा यूज करिवेनी नहले टेस्ट एते भलो आसिबनी। याकु बढ़िया से आमे फेंटी दबा, जहा द्वारा ये बहुत मलाई टाइप रे होई जिवो। 2 मिनिट फेंटी सल्ला पोरे देखंदु ये केते सॉफ्ट आ क्रीमी क्रीमी होई जायची। तापरे आमे चीनी मिसेवा, चीनी को मुठे ग्राइंडिंग करनेची। याकु दही सह बढ़िया से मिसे की गोळेई नबा। तापरे मु 1 टेबलस्पून घी आउ सूजी सेथिरे मिसेकी गोळेई नउची। सूजी को आपण अल्प अल्प करिकी फेंटिबे, ताकि ये फेंटिबारे सहज होइथाय, आउ बहुत सुंदर क्रीमी टेक्सचर भी आसीथाय। मैदा को अवॉइड करिबा बहुत भल, तार अल्टरनेटिव रे आम माने सूजी यूज करिपरिबा, सेइटा बेटर। छोटो छुआंकु आम माने याकु बढ़िया से देइपरिबा, काहेना एटा बेकिंग होइथाय आउ सूजी रे होइथाय, तो बिना गिल्ट रे आम माने छोट छुआंकु याकु देइपरिबा। सेथिलागि किणा केक थारु ए सूजी वाला घर तयारी केक अत्यंत भल। एठी मु सूजी को भी ग्राइंड कर नेइछि गोटे फाइन पाउडर बनेबा पई, ताकि टेस्ट आहुरी सुंदर आसिबो। तापरे आमे क्षीर मिसेबा, क्षीर को भल भाबरे गोळेइ नबा। बहुत सुंदर फेंटी सल्ला पोरे सी पूरा मलाई टाइप रो हेजबो होल मिक्सचरटा। याकु एमिति पखापाखी 3-4 मिनट फेंटिबे, आस्ते आस्ते करि क्षीर मिसेबे। तापरे आम माने मिल्क मेड पकेबा। मिल्क मेड एठी पूरा ऑप्शनल, आपण चाहेले स्किप मध्य कर परिबे। जदि मिल्क मेड पको नहांदी ताहले क्षीर आउ चीनी रो परिमाण टिके अधिका देबे। तबे फ्रेंड्स आमे मिक्सिंग बोल रे सबुतक इनग्रीडियंट्स नेकी भलरे फेंटी सारलेनी, तो देखंतु केमिति क्रीमी टेक्सचर आसी जायची। तो याकु आमे गोटे घंटा कवर करके रखी नबा, तो सी टिके फुल्ली जीवो सूजी जाको। एठी गोटे पैन उपरे स्टैंड रखी देबा, ताकु तापरे कवर करके ना 10 मिनिट खंडे लो मीडियम रे गरम करिया को छाडी देबा। आपण माने स्टैंड न यूज करके गोटे थाली को उल्टे की रखी की मध्य करि परिबे, नहले तो लूण रो व्यवहार मध्य करि परिबे। तापरे रेगुलर बेसिस रे आमे जो खाइबा पई गिन्ना सब यूज करू, से गिन्ना को टिके तेल रे ग्रीस कर नबा। एठे तेल टिके भल रे देबे, ताहले केक गुडा उठिला बेले बहुत सुंदर से बाहरी आसीबो। तापरे आमे से बैटर को चलन देखिवा टिके फुल्ली जाइतिवो। तापरे सेठी आमे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज करिवा। देखंतु फुल्ली की केते सुंदर हे जाइछि, आ केते सुंदर क्रीमी टेक्सचर आसीछि। एतरे मु 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आ 1 टीस्पून कि ताठारो टिके कम विनेगर पकोछि। विनेगर आपनकर स्वाद द्विगुण करि देथाय, बहुत अलगा फ्लेवर लागिथाय, आउ केक को स्पंजी हेबारे मध्य सहाय्य करथाय। एमानंकु बहुत भल भावरे फेंटी दे सरला परे मु एथिरे कार्डमम एसेंस पकोउची, नाही तो आपण वैनिला एसेंस भी पकेई परिवे। मते कार्डमम फ्लेवर बहुत पसंद, सेथिलागी कार्डमम एसेंस पकेउची। आपण माने चाहेले वैनिला एसेंस मध्य पकेई परिवे। एथिरे कार्डमम एसेंस आपण 1/2 टीस्पून पकेइबे, आउ टिके भलसे फेंटी नबा। एबे ही बैटर को से छोटो छोटो गिन्ना रे भरी नबा।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗିନାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରିବେ, କାହିଁକି ନା କେକ୍ଟା ଫୁଲିବ ତ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର। ଏଇ ଗିନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଟାପ୍ କରି ନେବା, ତାକି କିଛି ବି ବବଲ୍ସ ରହିବନି। ଆମେ ଏବେ ଏହି ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ସାହାଯ୍ୟରେ କେକ୍କୁ ଗାର୍ନିଶ କରିନେବା। ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, କେକ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିଦିଏ, ତା ସହିତ ୟମି ଆଉ ଟେମ୍ପ୍ଟିକ୍ କରାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଟୁଟି ଫୁଟି ସାହାଯ୍ୟରେ କେକ୍ ଜାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏବେ ସେହି ଗିନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏହି ଗରମ ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦେବା। ପାଖାପାଖି 25-30 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା କେକ୍ ଯାକ ହୋଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଥପିକ୍ଟା କେତେ କ୍ଲିନ୍ଲି ବାହାରି ଆସିଲା, ତା ମାନେ କେକ୍ଟା ପୁରା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ଟି କେତେ ନରମ, ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗିନାରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଅଣ୍ଡାରେ, ବିନା ଓଭନ୍ରେ, ସିଏ ବି ସୁଜିରେ, ସିଏ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କେକ୍, କେତେ ଟେଷ୍ଟି, ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ରେସିପିଟି। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।